मुंबई से एक और दुखद खबर आई है। टीवी स्टार समीर शर्मा ने अपने फ्लैट पर आत्महत्या कर ली है। पुलिस के मुताबिक घर पर सुसाइड नोट नहीं मिला है। शव की स्थिति को देखते हुए पुलिस को संदेह है कि अभिनेता की मौत 2 दिन पहले हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस जब फ्लैट के अंदर पहुंची तो बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी थी। 6 अगस्त 1945 का दिन था जब लिटिल बॉय परमाणु बम ने हिरोशिमा को तबाह कर दिया था। इस घटनाक्रम को आज पूरे 75 साल बीत चुके हैं, फिर भी इस दिन को याद कर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। मुंबई में पिछले 2 दिन से हो रही घमासान बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है, जिस कारण से लोग फंस गए हैं और रेस्क्यू टीम उन्हें निकालने में जुटी हुई है। लोकल में फंसे 290 लोगों को निकाला गया। साथ ही पीएम मोदी ने सीएम से बात कर हालात का जायजा लिया और मदद का आश्वासन दिया। गुजरात के अहमदाबाद के कोविड 19 अस्पताल में अचानक आग लगने से 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल का नाम श्री अस्पताल है और महामारी के दिनों में इसे कोविड 19 अस्पताल घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस खबर पर ट्विटर के जरिए दुख जताया है। कोरोना काल में सोने चांदी के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब सोने के दाम लगभग 60,000 के करीब पहुंच गए हैं, जिस कारण सोना खरीदना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिरता की वजह से निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं। अयोध्या में कल यानी 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया, जिससे काफी लोग नाराज भी हैं। उसी में से एक AIMIM के चीफ ओवैसी काफी नाराज दिख रहे हैं। दरअसल उन्होंने कल ही कहा कि हिंदुत्व की कामयाबी सर्कुलरिज्म की हार है। अपनी नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा, भूमि पूजन मुद्दे का खात्मा नहीं शुरुआत है और यह सरकार का प्लान है। राजस्थान के सियासी उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है। खबर है कि बसपा के 6 विधायकों को हाईकोर्ट से नोटिस जारी किए जाएंगे। 8 अगस्त तक तामील करवाने की जिम्मेदारी जैसलमेर जिला जज को सौंपी गई है। बता दें कि इस मामले में भाजपा विधायक मदद दिलावर और खुद बसपा ने भी हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की थी। पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी किया है, जिस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राजनीतिक मूर्खता बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि इस तरह के हास्यास्पद अभिकथनों की ना तो कानूनी वैधता है और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता है। जम्मू कश्मीर मामले पर पाकिस्तान और चीन की चाल एक बार फिर फेल हो गई है। इस बार अमेरिका ने इस बात का खुलकर विरोध किया है। बता दें, बंद कमरे में हुई अनौपचारिक बैठक में ना तो चर्चा की कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया गया और ना ही अपना कोई निर्णय जाहिर किया गया है। कोरोना वायरस की रफ्तार दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। देश में संक्रमित का आंकड़ा 19,63,239 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 56,626 नए केस मिले हैं। 29 जुलाई से लगातार देश में एक दिन के भीतर 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंस्टा फीड। इंस्टा फीड।